तो चलिए इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त सीएम के दौरे को लेकर के आपके पास? देखिए हेमंत, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दो दिन से लगातार दौरे पे हैं। आज वो सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में जो है हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और बाकायदे जो है अधिकारियों से भी बातचीत की और राशन खाद्यान्न भी बांटा है बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच के। उसी को लेकर के गोरखपुर भी वो पहुंचे हैं, क्योंकि गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कुशीनगर, देवरिया सहित तमाम जो जिले हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित हैं और पूरी तरीके से जलमग्न हैं सैकड़ों गाँव। तो ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं तो सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद, अपने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के आशीर्वाद लेने के बाद सीधे वो उनवल पहुंचे हैं और हवाई यात्रा करते हुए जो है उन्होंने सर्वेक्षण किया है और जो है जायजा लिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हालात हैं। उसके बाद वो सीधे उनवल पहुंचे हैं, वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँच करके उन्होंने बाकायदे राशन सहायता या जो है किट बांटा है, बाकायदे उन्हें राशन जो है मदद देने के बाद उसके बाद वो सीधे फिर जो है सहजनवा पहुँचे हैं, वहाँ भी वो जो है राशन किट बांटेंगे और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँच करके वो उनसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही जो भी विभाग के अधिकारी हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो मौजूदा हालात है उसका भी वो जायजा लेंगे। उसके बाद फिर सीधे ये माना जा रहा है कि गोरखपुर के रामघाट पे भी वो आ सकते हैं। रामघाट पे आने के बाद वो जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ वो भ्रमण भी कर सकते हैं कुछ बाढ़ग्रस्त इलाकों का। और रामगढ़ इलाका है यहाँ पे नौसड़ के पास जो है हनुमानगढ़ी जगह है, वहाँ पे भी वो जाएंगे और वहाँ पे भी जो है बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँच करके वो राशन जो है सामग्री बांटेंगे और उनके हाल चाल लेंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे फिर वो कभी अगर कोरोना का कहर हो उस दौरान भी वो लगातार इसको लेकर के समीक्षा करते रहे, दौरे करते रहे और जब बाढ़ की स्थिति आई है तो बाढ़ को लेकर के भी जमीन से लेकर आसमान तक वो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं और बाकायदे आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जो डेंगू का कहर चला है और रहस्यमय बुखार हो रहे हैं उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाकर के संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। जय हेमंत जी। सुशील, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान इंटर कॉलेज में जब पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और सवाल पूछा जो बाढ़ को लेकर के, तब मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया सभी को कि सरकार सब लोगों के साथ इस वक्त खड़ी हुई है। जहां पर तमाम इलाकों में बाढ़ है और वहाँ पर हालात भयावह खराब है, वहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत मिल पाए। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। तहसील जनपद सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और मोगढ़, ये पांच तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डोमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है। जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें सर्वाधिक डोमरियागंज और नौगढ़ तहसील है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। बाढ़ बचाव के लिए क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी नाप राप्ती, कोड़ा नदी और अन्य नदियां हैं जिनके कारण यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है, तो बाढ़ बचाव से संबंधित जितने भी कार्य होने थे उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। सहायता देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं जिससे पीड़ित परिवारों को भटकना न पड़े। पालतू जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करेंगे और प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के आम जनमानस की सेवा करते हुए हर एक व्यक्ति को राहत देंगे। मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा आप सबको कि जितने भी
क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, यहां पर बड़े पैमाने पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उन सभी लोगों को हम लोग फसल के लिए अभी से सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण के साथ ही उन लोगों को भी मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए, फसल का मुआवजा भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने चाहिए, जिससे हर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ शासन प्रशासन की सहानुभूति उसके साथ जुड़ते हुए उसे अधिक से अधिक राहत। पिछले 4 बजे की अगली